अभी तक हम पहले भी इसकी फ्लो uh, की कुछ इक्वेशन और डेफिनेशन और कुछ फैक्टर्स देख चुके हैं मगर लॉ में में सबसे ज्यादा डिटेल फ्लो के बारे में uh, बताया जाता है ठीक है सो द इज़ इज़ एफ इक्वल टू पाई डेल्टा पी इन टू आर फोर और एट बाय एल अच्छा अब ये क्या है लेट्स लुक एट दिस पार्ट ऑफ द स्लाइड ठीक है अब आप लोगों को पता है कि फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस ठीक है ये पहले हम डिस्कस कर चुके फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस कौन सा प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द द और स्टार्टिंग ऑफ वन वेसल टू द एंडिंग ऑफ द अदर वेसल जिन दो वेसल्स के बीच में ब्लड फ्लो हो रहा है ठीक है तो उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस ओके नाउ व्हाट इज आर आर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल हमने पहले डिस्कस किया था कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द डायमीटर ठीक है तो ये एग्जैक्टली वही फोर्थ पावर ऑफ रेडियस है ठीक है फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस तो ये हो गया आर ओवर फोर ठीक आर इज टू पावर फोर अच्छा नाउ व्हाट इज दिस फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी और ये जो एन है इसको ईटा कहते हैं मेरे ख्याल से दिस इज द साइन ऑफ विस्कोसिटी ठीक है तो फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो द विस्कोसिटी अब विस्कोसिटी क्या होती है ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जितना ब्लड ज्यादा विस्कस होगा यानी कि ज्यादा गाढ़ा होगा मैंने विस्कॉसिटी में शहद की एग्जाम्पल दी थी हनी की एग्जाम्पल दी थी ठीक है तो जितना ब्लड ज़्यादा विस्कस होगा उतना ही फ्लो कम होगा ये भी बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इस सारे आपको पता है। finally, जितनी लंबी होगी लेंथ उसकी ज्यादा होगी उतना ही फ्लो कम होगा जारी बात है लेंथ जितनी लंबी होगी आता फ्लो ड्यू द द फ्रिक्शन ड्यू विस्कोसिटी वो फ्लो कम हो जाता है ठीक है तो अगर हम इन चारों चीजों को फॉर्मूला में डाल डालें तो डायरेक्टली पोस्ट डेल्टा पी एंड आर फोर तो डेल्टा पी एंड फोर्थ पावर ऑफ रेडियस आ जाएंगे फॉर्मूला में ऊपर वाली तरफ जबकि विस्कोसिटी एंड लेंथ आ जाएंगे फॉर्मूला में नीचे वाली तरफ ठीक है एंड दिस पाई एंड एट दीज आर कॉन्स्टेंट ठीक है पाई आपको पता है हमेशा कॉन्स्टेंट ही होता है तो यहां पर एट है ठीक है सो फ्लो इज इक्वल टू ठीक है तो ये बन जाता है हमारे पास फ्लो का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पॉइस लॉ इससे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें ओम्स लॉ क्या कहता था ओम्स लॉ कहता था फ्लो इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर आर इफ यू रिमेंबर ठीक है फिर हमने आगे जाके जब ये रेजिस्टेंस निकाली डेल्टा पी इज प्रेशर डिफरेंस एंड आर इज रेजिस्टेंस स पेरफल रेजिस्टेंस और इन द पल्मनरी सिस्टम पलमनरी रेजिस्टेंस ठीक जो ब्लड वेसल के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है वो थी अब हमने क्या किया था अगर रेजिस्टेंस के लिए हमने कहा था अच्छा हम रेजिस्टेंस को ऊपर ले जाएं और तो फ्लो नीचे आ जाएगा यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय फ्लो तो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला बन जाता है ठीक है अब अगर हमने यही फार्मूले से हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना हो तो वो ये बन जाता है और ये किस तरह बना अगर आप देखें अगर हम यहाँ पे फ्लो की जगह पे ये पूरा फॉर्मूला फिट कर दें यानी कि फ्लो की जगह पे पूरा फॉर्मूला फिट हो जाएगा तो क्या होगा ये पाई डेल्टा पी आर फोर नीचे आ जाएगा ठीक है और ये जो एट विस्कोसिटी इनटू लेंथ ये ऊपर वाली तरफ चला जाएगा ठीक है सिंपल मैथ है और यहां पे जो नीचे ये, जो डेल्टा पी है जब ये नीचे आएगा ये ऊपर वाले डेल्टा पी से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली फार्मूला हमारे पास इसका इनवर्स रह जाएगा डेल्टा पी को निकाल के इनवर्स से मुरादा है कि ये पाई और आर फोर नीचे आ जाएंगे और डेल्टा पी जो नीचे आया था वो इस डेल्टा पी से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाली तरफ एट इंटू विस्कॉस्टी ओवर लेंथ आ जाएगा तो एट इंटू विस्कॉस्टी इंटू लेंथ डिवाइड बाय पाई इंटू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस तो ये हमारे पास इस तरह रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी लॉ से आ गया और ये फ्लो का फार्मूला ठीक है याद हो गया तो हम आगे मूव करते हैं अच्छा अब हम यहां पे हमें देखें यहां पे हमने काफी फैक्टर्स का डिस्कस किया है डेल्टा पी और फोर अब हम एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है ओके लेट्स स्टार्ट विद द रेडियस फोर्थ पावर ऑफ रेडियस अब फोर्थ पावर ऑफ रेडियस आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा रेडियस कौन सा पार्ट चेंज कर सकता है या कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन

ब्लड फ्लो कितने टाइम्स बढ़ता था फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर ठीक है और अगर हम देखें तो आम में हमने हंड्रेड टाइम्स तक तो रिकॉर्ड किया हुआ है चेंज इन ब्लड फ्लो बाय चेंजिंग प्रैक्टिकली स्पीकिंग बाय चेंजिंग द रेडियस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ज दिस्क विफिक मैंने आपको बताई है कि viscosity जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतना ब्लड फ्लो कम होगा क्योंकि आपस की लेकिन एक्जैक्टली ब्लड के अंदर विस्कॉसिटी कौन लेके आता है ब्लड की जो अंदर विस्कोसिटी है विच इज बेसिकली फ्रिक्शनल ड्रैग वो किन के बीच में होती है वो बेसिकली ब्लड की विस्कोसिटी ब्लड के अंदर होते हैं रेड सेल्स और ब्लड के अंदर होती है प्रोटीन्स तो रेड सेल्स जब आपस में रगड़ खाते हैं आपस में फ्रिक्शन खाते हैं तो दीज रेड सेल्स विल प्रोड्यूस विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड एंड ऑल्सो द प्रोटीन प्रोटीन्स भी आपस में जब फ्रिक्शन खाती हैं तो फिर वो भी विस्कोसिटी प्रोड्यूस करती हैं ब्लड में मगर रेड सेल्स जो है वो ज्यादा उनकी सिग्निफिकेंस है इन विस्कोसिटी प्रोड्यूसिंग एज कंपेयर टू प्रोटीन प्राइमरी फैक्टर अगर एक पूछा जाए तो ब्लड की विस्कोसिटी किस पर नंबर ऑफ रेड सेल्स बल्कि नंबर ऑफ रेड सेल्स भी नहीं कहना चाहिए हमें कहना चाहिए परसेंटेज ऑफ रेड सेल्स या नंबर ऑफ रेड सेल्स विद रेफरेंस टू द वॉल्यूम ठीक है यानी कि जितने एक स्पेसिफिक यूनिट वॉल्यूम में रेड सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी और आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ़ रेड सेल्स टोटल ब्लड का फॉर इंस्टांस हंड्रेड एम ब्लड है तो उसके अंदर बेसिकली फोर्टी एम एल हैं बाकी फिर बाकी सारी चीजें ठीक है cms, proteins, तो हीमेटोक्रिट इज परसेंटेज ऑफ रेड सेल्स तो यानी कि अगर हीमेटोक्रिट बढ़ेगी यानी कि परसेंटेज ऑफ रेड सेल्स इन टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी अच्छा नॉर्मल हीमेटोक्रिट कितनी होती है नॉर्मल हीमेटोक्रिट होती है 40 और 40 हीमेटोक्रिट पे नॉर्मली ब्लड की विस्कोसिटी 3 टू 4 टाइम्स द विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है यहां पे लिखा है ब्लड हैज 3 टाइम्स द विस्कोसिटी ऑफ वाटर नॉर्मल ट पे ब्लड की अब यही अगर हम हिमेटोक्रेट बढ़ा दें फोर्टी से, से हो सकती है हमने कहे ना, blood, विद तो अब या तो रेड सेल का नंबर बढ़ जाए या ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए ड्यू टू थिंग्स लाइक डिहाइड्रेशन ठीक है तो अब या तो ब्लड का अगर नंबर ऑफ आर बढ़ जाएंगे तो हिमेट्रोक्रेट बढ़ जाएगी या फिर अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो भी हेमेटोक्रेट बढ़ जाएगी अब हेमाटोक्रेट अगर 40 से 60 पे चली गई है तो इन दैट केस विस्कोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जो विस्कोसिटी थ्री टू फोर है विस्कोसिटी, वो बन जाएगी टेन यूनिट्स विस्कोसिटी बन जाएगी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये जो यूनिट है ये है विद रेफरेंस टू द वॉटर अगर कोई चीज वाटर से डबल विस्कस है तो उसकी विस्कोसिटी होगी टू कोई चीज थ्री टाइम वाटर की कंपेरेटिव टू विस्कस है तो उसकी विस्कोसिटी हो जाएगी थ्री तो चूंकि ब्लड थ्री टाइम्स विस्कस देन वाटर है तो ब्लड की विस्कोसिटी है थ्री टू फोर यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी ठीक है सो दिस इज विस्कोसिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस जो है ना ये सबसे ज्यादा ट्रिकी है और इसको आपने ध्यान से सुनना है। प्रेशर डिफरेंस क्या करता है प्रेशर डिफरेंस आप देखते हैं कि जी जैसे ही प्रेशर डिफरेंस यानी कि डेल्टा पी बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ जाना चाहिए और प्रेशर डिफरेंस क्या होता है बेसिकली हम ये प्रेशर डिफरेंस ले रहे हैं प्रेशर ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस में प्रेशर ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज माइनस प्रेशर ऑफ ये हम पेरिफेरल वैस्कुलर ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं तो उसका डेल्टा पी क्या है प्रेशर ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज माइनस प्रेशर ऑफ सिस्टेमिक वेन्स अच्छा अब अगर आर्टेरियल प्रेशर जो सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाए ठीक है अगर ये हम इंक्रीज करते हैं सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर तो और, और जो वेन्स का प्रेशर है वो सेम रहे तो ऑटोमेटिकली डेल्टा पी को बढ़ जाना चाहिए ठीक है हम केस सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा दें हम प्रेशर बढ़ा दें तो डेल्टा पी पे क्या फर्क पड़ेगा तो जो डेल्टा पी तो बढ़ ही जाना चाहिए सारी बात है अच्छा और जब डेल्टा पी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये डेल्टा पी अगर बढ़ गई है तो ऑब्वियसली फ्लो भी बढ़ जाएगा ठीक है यानी कि अगर हम आर्टीरियल ब्लश प्रेशर बढ़ाते हैं तो दैट विल रिजल्ट इन टू इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो ये सीधी सी बात हमें समझ आती है मगर होता क्या है असल में आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाने से फाइनली लोकल टिश्यू फ्लो कोई नहीं बढ़ता यानी है ये क्या बात हुई डेल्टा पी बढ़ाने से अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये फ्लो नहीं बढ़ेगा मतलब ये क्यों भाई ये तो बढ़ जाना चाहिए तो फॉर्मूला में ऐसे लिखा हुआ अब इन रियलिटी ऐसे होता नहीं है ऐसे क्यों नहीं होता क्योंकि जैसे ही आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है साथ ही लोकल ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक टिश्यू के लोकल ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पे हो जाती है लोको लोकल वेजो कंस्ट्रिक्शन ठीक है और लोकल वेजो कंस्ट्रिक्शन क्यों होती है क्योंकि आपको याद होगा हमने शुरू में बताया था दो लेक्चर्स पहले कि जो ब्लड फ्लो है टू एनी स्पेसिफिक ऑर्गन वो दैट विल डिपेंड ऑन द लोकल टिश्यू नीड अगर टिश्यू को नीड नहीं है ज्यादा ब्लड फ्लो की पीछे से आर्टीरियल प्रेशर बढ़ भी गया है तो उस टिश्यू के अंदर ब्लड नहीं आएगा क्योंकि उस टिश्यू की जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेजो कॉन्स्ट्रक्ट कर जाएंगी कौन से लेवल पे वेजो कॉन्स्ट्रक्ट कर जाएंगी आर्टीरियोलर लेवल पे वेजो कॉन्स्ट्रक्ट कर जाएंगी और वो हाई प्रेशर ब्लड ढेर सारा जो ब्लड फ्लो पीछे से आ रहा था वो आगे टिश्यू के अंदर नहीं जा सकेगा

ये जो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन है रेडियस का रेडियस का कम का होना ब्लड वेसल का डायमीटर कम होना दैट विल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज प्रेशर डिफरेंस ठीक है तो ये असल कहानी होती है ब्लड ब्लड फ्लो फ्लो के अंदर ठीक है अब ये तो मोस्टली जगह पे ऐसे ही होता है कि जो उधर से ब्लड प्रेशर बढ़ा डेल्टा प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ने लगा था मगर जैसे ब्लड फ्लो बढ़ने लगा साथ ही वेजो कॉन्स्ट्रक्शन हुई तो रेडियस कम हो गया डेल्टा भी बढ़ गई रेडियस कम हो गया फ्लो उधर का उधर इधर दोनों का मल्टीपल सेम रहा ठीक है तो फ्लो में कोई खास फर्क नहीं पड़ा इनडायरेक्टली अच्छा मगर कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं ये तो था एक्टिवली इसमें तो कंस्ट्रक्शन हो रही थी क्योंकि पैसे वेस्कुलर बेड्स होते हैं अब कुछ आइसोलेटेड वेसल्स हैं जो कि खास किसी टिश्यू से सेट नहीं है या अक्सर टिश्यूज ऐसे होते हैं कि जो ऑटो रेगुलेशन नहीं शो कर रहे होते वो कहते हैं भाई ठीक है भाई पीछे से प्रेशर ज्यादा आया तो चलो हमारे पास भी ब्लड फ्लो ज्यादा आ जाए से प्रेशर कम हुआ तो चलो हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो जाए कुछ होते हैं जिन्हें कहते हैं पैसिव अब इन में उनका जो फ्लो है जिनमें in लोकल अपना खुद ऑटो रेगुलेट नहीं करते अपनी चीज को तो उसमें प्रेशर तो थोड़ा सा इंक्रीज करता है मगर उस थोड़े से प्रेशर इंक्रीज करने से थोड़ा सा ब्लड फ्लो नहीं इंक्रीज करेगा इस फॉर्मूले के मुताबिक वो थोड़े से प्रेशर क्या करेगा वो प्रेशर से तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा ही करेगा वो प्रेशर साथ साथ चूंकि वो प्रेशर आ रहा है ना उससे वेसल भी डिस्टेंड हो जाएगी और जो रेडियस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा यानी कि डेल्टा पी भी इंक्रीज करगी और रेडियस का रेस टू पावर फोर भी इंक्रीज कर गया तो सिर्फ डेल्टा पी की वजह से ब्लड फ्लो नहीं इंक्रीज करेगा इनके अंदर तो इनके अंदर रेडियस भी बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि प्रेशर जो आ रहा है वो वैसल को डिस्टेंड कर देगी जब वैसल को डिस्टेंड करेगी तो डेल्टा पी भी बढ़ गया और रेडियस भी बढ़ गया और फ्लो तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया much more than we expected in the case of just increasing delta p ठीक है तो ये है कि ऑटो रेगुलेटरी अगर ऑटो रेगुलेशन है तो बड़ा फिट फ्लो का कंट्रोल है अगर ऑटो रेगुलेशन नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ही कंट्रोल कोई नहीं ठीक है अच्छा अब यहां तक हमने ये कर लिया अब हमने एक चीज रह गई थी थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करनी एंड दैट इज हमने कहा था सीरीज में जो कुछ ब्लड वेसल्स सीरीज में कनेक्टेड होती हैं और कुछ ब्लड वेसल्स पैरेलल सर्किट में कनेक्ट होती हैं ठीक है अब सीरीज में कनेक्टिंग का क्या मतलब है मैंने शुरू में बताया था कि आर्टरी है आर्टरी के बिल्कुल सामने ही उसके सामने कैपिलरी शुरू होगी उसके सामने के हो है। ये में है ये सारी तो एक के सामने दूसरी, दूसरी के सामने चौथी चौथी सामने पांचवी लगी हुई है तो ये सीरीज में सर्किट है अब इसके अगर हम उल्टा देखें तो ये जो सर्किट है ना ये पैरेलल है इसमें क्या होता है कि एओर्टा ने ब्लड पंप किया एक ब्रांच ले गई किडनीज के पास दूसरी ब्रांच लेगी हार्ट के पास तीसरी ब्रांच लेगी ब्रेन के पास अब ये जो ब्लड वेसल जो ब्रांचेस निकल रही है ये एक दूसरे के पैरेलल है मगर एक दूसरे के आगे पीछे कनेक्टेड नहीं है ये इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस निकल के यहां पे गया है तो ये जो सर्किट होता है ना कि जो मुख्तु ऑर्गन को ब्रांचें निकल रही है एओर्टा से तो ये जो सारा सर्किट है ये होता है पैरेलल सर्किट और फिर जाके दोबारा जाके सारी मिलके मिल के बीना क्या ड्रेन हो जाती है तो अब ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि जो रेजिस्टेंस थी ना जो रेजिस्टेंस पैरफुलर रेजिस्टेंस या जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो समझने के लिए सीरीज सर्किट और पैरल सर्किट समझना बहुत जरूरी है अब इनमें से हम किसी के भी अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे चाहे आर्टरी की बजाय चाहे आर्टरी को बजाय चाहे की बढ़ाएं तो वो टोटल रेजिस्टेंस में उसका इफेक्ट आएगा क्योंकि सीरीज में जो सर्किट होता है रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द कंपोनेटेड इन जबकि जो पैरल में जो सर्किट होता है ना उसमें टोटल रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द समस्टेंसिस ऑर्गन ऑल द ब्रांचेस उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हर फर्दर ब्रांच के एड होने से बढ़ती नहीं है बल्कि हर फर्दर ब्रांच के ऐड होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है क्योंकि ब्लड के फ्लो को एक अल्टरनेट पाथ मिल गया है और ब्लड ज्यादा आसानी से फ्लो कर सकता है और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो गई और कंडक्टेंस बढ़ गई है ठीक है यानी कि अगर यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं तो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सिस्टम की बढ़ेगी नहीं और कम हो जाएगी क्योंकि एक रास्ता और मिल गया इट्स जस्ट लाइक ये एक बड़ी सी रोड आ रही है उसके बाद उस जो रोड है उसकी आगे उस रोड में से आगे सिक्स फर्दर रोड्स निकल गई तो अब गाड़ियों के पास तो जाने के लिए छः मजीद रास्ते हो गए ना तो गाड़ियों को जो रजिस्टेंस है छोटी सी रोड पे आ, आनी थी वो अब सारी रेजिस्टेंस तो कम हो गई है वो आराम से कंडक्टर और उनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी स्पीड नहीं उनकी जो फ्लो है ज्यादा आसानी से हो सकेगा विद लेस रेजिस्टेंस टोटल अगर हम रखेंगे तो उसकी टोटल जो रेजिस्टेंस है वो इन तमाम के साम से कम होगी तो फार्मूलाइज वन ओवर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन ओवर रेजिस्टेंस ऑफ ब्रेन हार्ट रेजिस्टेंस ऑफ तो वन ओवर आर वन प्लस आर टू तो उसमें से एक जब भी हम एड करेंगे या किसी की रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फाइनली ये क्योंकि वन ओवर फॉर्मूला है तो फाइनली ये टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि बेसिकली ईच पाथवे पाथवे इज अदर फॉर बेसिकलीस ऑफ ब्लड फ्लो तो इसलिए हम क्या करेंगे जैसे जैसे पाथवेज एड होते जाएंगे तो हम कहेंगे कंडक्टर्स तो बड़ी जरिए पहले पाथवे की जितनी कंडक्टेंस थी उसमें दूसरे पाथवे की कंडक्टेंस एड हो जाएगी फिर तीसरी की एड हो जाएगी फिर की गैड हो जाएगी आपको याद है कंडक्टर क्या था कंडक्टेंस इज ओवर रेजिस्टेंस पीछे बता दें कंडक्टेंस इज वन ओवर रेजिस्टेंस ठीक है तो सिंपल ये याद है कि सीरीज सर्किट होगा सीरीज में ब्लड वेसल्स कनेक्ट होंगी तो रेजिस्टेंस सारों का ऐड होगी सम होगा जबकि पैरेलल सर्किट होगा तो जितनी हम सर्किट में चीजें ऐड करेंगे पैरेलल उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल पार्ट से कम होगी ठीक है और हर फर्दर पैरेलल पाथवे ऐड करने से रेजिस्टेंस मजीद कम होगी और कंडक्टेंस मजीद बढ़ जाएगी क्योंकि कंडक्टेंस इज द सम ऑफ कंडक्टेंसेस ऑफ ऑल पार्ट्स सो जी ये था हमारा चैप्टर नंबर फोर्टीन होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा ठीक है सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर